पता नहीं ये बारिश का मौसम कब खत्म होगा। ये पिंकू और बंटू ना रोज मुझ पे कीचड़ डाल देते हैं। निकू बेटा हो गया स्कूल के लिए रेडी? हाँ पापा। आजकल तू अपने कपड़े गंदे करके आ रहा है। मम्मी ने बोला कि इस बार तूने अपने कपड़े गंदे किए तो सारे कपड़े तुझे खुद धोने पड़ेंगे और मार अलग से पड़ेगी। तड़ 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 धुप 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 धुप। ओह नो। अरे पापा इसमें मेरी क्या गलती है? वो पिंकू और बंटू ना रोज मुझ पे कीचड़ डाल देते हैं। आप एक काम करो ना, अपना रेनकोट मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं मैं अपना रेनकोट नहीं दे सकता। वो क्या है ना कि हर रोज मैं भी अपने कपड़े गंदे करके आ रहा था, मुझे ही सारे कपड़े धोने पड़ रहे थे और डांट अलग से पड़ रही थी, तो तेरे लिए मैं नया ले आऊंगा। हाँ ठीक है पापा। हाँ चल अब स्कूल जा। मुझे पिंकू और बंटू से ना छुपके रहना पड़ेगा, वरना वापस से मेरे कपड़े गंदे कर देंगे। मम्मी ने ना मुझे वार्निंग दी है, इस बार मेरे कपड़े गंदे हुए ना तो मुझे कपड़े भी धोने पड़ेंगे और ऊपर से डांट भी खूब मिलेगी। मुझे ना बच के जाना पड़ेगा। हाँ नहीं पिंकू बंटू प्लीज मुझे गंदा मत करना। सॉरी मम्मी, आज मैं फिर से गंदा हो गया। सुन सोनू। हाँ भाई बोल ना। आज ना लोगों पे पानी उड़ाएंगे। बहुत मजा करेंगे। बहुत मजा करेंगे। ए उस लड़की को देखो उसपे पानी उड़ाते हैं। ओह नो। स्टूपिड। ए उस लड़की पे डालते हैं। अरे हाँ यार। ओए। ए बोरा एक लड़का। पागल कहीं का। बहुत मजा आ रहा है यार। बहुत मजा आ रहा सच में यार। यार कपड़े गंदे होगी, मम्मी बहुत मारेगी। oh, no. मम्मी बहुत धोएगी। अरे मिशेल जल्दी करो भाई, लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, टिफिन लाओ जल्दी। ए जी आज आप कहीं पे नहीं जा रहे हो, वो ना न्यूज़ में बताया लो टाइड है। लो टाइड? अरे वो हाई टाइड होता है, हाई टाइड रही नाम पढ़ के अनपढ़। तो भी कुछ है, उन्होंने बताया भारी बारिश की वजह से ना ट्रेनें रुकी हुई है, सड़कों पे ना इतना पानी, नहीं इतना पानी भरा हुआ है। इतना पानी भरा तुमको कैसे पता चला? मैंने न्यूज़ में देखा ना, वो रिपोर्टर इतना डूबा था, इतना ऐसे ऐसे न्यूज़ बता रहा था। अरे न्यूज़ में ना कुछ भी बताते हैं, कुछ भी, जाने दो हमको। नहीं 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 आज आप कहीं नहीं जाओगे। अच्छा ठीक है, इतना बोल रही है तो नहीं जाते हैं। मेरी क्यूटी पाई, मेरी शूटी पाई। एक बात बताएं। हाँ। वैसे रोमांचिक मौसम तो हुआ हुआ है। अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? अरे फोन उठा रहे थे मैसेज करने के लिए। हाँ आज हम ऑफिस नहीं आ रहे। वैसे चाय पकौड़े वाला मौसम तो हुआ है। जाओ जी बना के लाओ। अरे मैं क्यों बनाऊं, तुम बनाओ। आप ना बहुत अच्छे पकौड़े बनाते हो। मेरे मास्टर थे। बनाते हैं। अरे आ गए पकौड़े आ गए। अरे ये ना चाय। अरे ये रहे पकौड़े। वाह 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 बहुत अच्छा बना। बहुत अच्छा मजा आ गया। अरे एक चीज तो रह गई। रखो उधर, उधर रखो इसको, उधर रखो जल्दी। अब करो। इजी। हाँ। मैंने ना छत पे कपड़े सुखाने के लिए डाले थे। ओह नो। भीग गए होंगे। अरे
मेरे पैंट में मेरे 20 रुपए थे, वो भी भीग गए होंगे। चलो जल्दी। बेबी कितना अच्छा मौसम हुआ ना, एकदम रेनी रेनी, एकदम रोमांटिक। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम ना अच्छा मौसम हुआ है। जल्दी जाने के बारे में ना बिल्कुल भी मत बोलना प्लीज। बेबी मैंने ना अभी माँ को फोन किया था, मैंने उनसे कहा हेलो मम्मी यहाँ पे ना बहुत बारिश हो रही है और उसकी वजह से ना ट्रेनें भी बंद हो चुकी है, मुझे आने में ना देर लग जाएगी। दिमाग तो है तुम में। बेबी मुझे ना भूख लगी है, भूख लगी है। पूरा टाइम चरने की बातें करते रहते, भूखी कहीं से एक दिन ना लुटवा के मानेगी मुझे ये। खाते हैं ना खाते हैं। यहाँ पे ना भुट्टे वाला बैठता है, 20 रुपए का भुट्टा देता है, एक ही भुट्टा लेंगे आधा आधा करके खाएंगे, कट 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 कट, बहुत मजा आएगा। बेबी इतना अच्छा मौसम है, कॉफी शॉप में चलते हैं ना। हाँ हाँ चलते हैं। रुक जाओ रुक जाओ, मेरा भाई आ रहा है। गया। अरे बेबी क्या तुम भी डरती रहती हो, थोड़ी डेयरिंग बास बनो मेरी तरह। अरे प्यार किया तो डरना क्या। अरे अपने भाई को तो देखो, ये भी नैन मटक्का करने यहाँ पे आया हुआ है। हम ना माँ से इसकी शिकायत ही करती हूँ। अरे तुम भी क्या टेंशन लेती रहती हो। अरे मेरे पापा आ गए। अरे आप तो डेयरिंग बाज हो ना, डेयरिंग बाज। हाँ लेकिन पापा के सामने ना डेयरिंग बाजी निकल जाती है मेरी। मिको तू तो इस टाइम पे ट्यूशन में होता है ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो पापा क्या हुआ ना कि मैं ट्यूशन से आ रहा था, मेरे पास छाता ही नहीं था, तो इस बेचारी भूली लड़की ने बोला मेरे छाते के नीचे आ जाओ। तो हाँ ससुर जी। नहीं नहीं पापा जी, नहीं अंकल जी, ये सही कह रहा है, मैंने इसे बुलाया था। ए लड़की तुम चुप करो, मेरे को पता है तुम दोनों यहाँ पे घुटर घू करने आए हो। यही करता है तू ट्यूशन के बहाने। नहीं पापा। चल घर चल, तेरी सारी जवानी निकालता हूँ। आधा घंटा हो गया ऑटो का वेट करते हुए, ऑटो ही नहीं मिल रहा। एक ऑटो आए प्लीज, ये मुझे ऑटो मिल जाए भगवान। अंकल कांदी वाली चलोगे? जी हाँ। एक्सक्यूज मी अंकल। ओए अंकल किसको बुला रहे? सॉरी भैया। मैं तेरे को भैया नजर आती। तो आप हो कौन? अपन मोंटो, मोंटो दीदी। अच्छा शांटू दीदी। ओए सॉरी मोंटो दीदी, एक्चुअली वो क्या है ना, मेरे को ना ट्यूशन के लेट हो रहा है, ये ऑटो मैंने रुकाया है। क्या है ना, ये ऑटो तेरे वजह से नहीं मोंटो के वजह से रुका है। आपको तो पता है ना कि बारिश के मौसम में ऑटो मिलना कितना मुश्किल हो जाता है, तो प्लीज मुझे जाने दो। अरे तेरे लिए मुश्किल होगा, ये मोंटो के एक सिटी पे ना लाइन लगती है ऑटो की। लेकिन आपकी सिटी से तो एक भी ऑटो नहीं रुका। अबे ये रुका है ना। अंकल अंदर चलेंगे? बैठिए। ऑटो। Bye.
ढूंढो ना बेबी, आज बहुत क्यूट लग रही हो। थैंक यू बेबी, आप भी बड़े डैशिंग लग रहे हो। ओह नो, कैम छो, कौन हो तुम? जिग्नेश द सुपरस्टार। तुम हमारे छाते में क्या कर रहे हो? एक्चुअली वो क्या है कि मैं अपना छाता घर पे भूल आया, तो मैंने सोचा तुम लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लूं। ओ चलो निकलो यार मेरे छाते से। देखो दुनिया वालों, इंसानियत नाम की चीज ही नहीं। अरे अरे तुम रह सकते हो मेरे छाते में। हाँ बस यही निकलवाना था तेरे मुंह से। एक काम कर, छाता मुझे दे दे और तुम लोग अपनी बातें चालू रखो। हाँ ओए ऐसे दर्शन क्यों देखा है? अरे तू टेंशन मत ले, मैं उसको बहन की नजर से ही देख रहा हूँ। हाँ लेकिन मैंने इसको कहीं तो देखा है, और मैंने इसको भी कहीं देखा है। मैं ना कॉफी पीने गया था, मैंने ना इसको किसी लड़की के साथ देखा था, पर वो तू नहीं थी। मैंने इसको देखा, ये किसी लड़की के साथ ना कॉफी पी रहा था, और ना उसने ना उस लड़की को ना अपने हाथ से खाने नहीं दिया, अपने हाथ से खिला रहा था। ये लो बेबी। अच्छा, एक हफ्ते से मेरे साथ घूम रहा है लेकिन मुझे नहीं ले गया कॉफी के लिए। देखो जरा, अरे मेरे को याद आया मैंने तुमको कहाँ देखा है। हड़क पदूड़ी है, एक नंबर की। ये ना एक लड़के के साथ ना मूवी देखने आई थी। हाँ और ना इसने बोला बेबी मेरे को लार्ज कोक पीना है, और ना लार्ज कोक में ना इसने बोला दो स्ट्रॉ डालेंगे, एक में आप पीना एक में मैं पीऊंगी। लेकिन ना एक बार में ही सारा घुड़क गई, बेचारे को कुछ मिला ही नहीं। अरे सुन तो, इसने ना 1000 रुपए का बिल बनवाया उससे बता। oh, no. अरे भाई साहब मुझे भी एहसास बेवकूफ बना रही है ये। अरे यू चीटर, यू लायर, यू लायर, यू लायर। अरे मेरे साथ जो भी बात करता है पता नहीं छाता थमा के क्यों चला जाता है। मैं तो कुछ भी नहीं करता। ये हो गया मेरा छाता नंबर 115। मम्मी नया छाता देख के बहुत खुश होगी। आज तक हमने एक भी छाते नहीं खरीदा। हाँ बेबी। कितना रोमांटिक। कपड़े तुझे ही धोने पड़ेंगे, मार अलग से पड़ेगी। यार बारिश में नहा के तो मजा ही आ गया, बहुत मजा आ गया। गाइस ये वीडियो बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमें कौन से न्यू टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके रेनी सीजन में कौन से फनी एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट्स बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को दबाएं एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मी।